गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन थे पिछले साल, दो साल पहले जो आए थे, तीन साल पहले जो आए थे, एंड इतना हमारे मतलब क्या हो सकते हैं, हमें इतना वो पसंद आया था कि हम लोग वेट कर रहे थे कि कब वो ऐसा सीज़न आए, उसका सीज़न नेक्स्ट सीज़न कब आएगा। तो फाइनली ऐसे मैं आज ऐसे वेब सीरीज़ के नाम बताने वाली हूँ जिसके नेक्स्ट सीज़न इस साल आने के बहुत सारे चांसेस है। बहुत सारे वेब सीरीज़ जो है वो कन्फर्म हो चुके हैं और कितनों की शूटिंग चल रही है जो कि अभी दो तीन महीने या चार महीने नहीं तो हायर के एंड होते होते नहीं तो तीन होते होते तो रिलीज़ हो जाएंगे, ऐसा मेरा एजम्पशन है। कितने मतलब क्या उसे कहते हैं, मैं बोल सकती हूँ इट इज़ डिसाइडेड, इट इज़ कन्फर्म दैट रिलीज डेट उनका कन्फर्म हो चुका है, कितनों का नहीं हुआ। तो मैं रिलीज डेट सबका तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं जितना एज्यूम कर रही हूँ, जितना मैंने एस्टिमेट किया है कि ये सारे वेब सीरीज जो है इस साल के अंदर अंदर आ जाएंगी। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल में अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले डिस्कस करते हैं एक ऐसे मतलब वेब सीरीज़ का जो कि सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसका फर्स्ट सीज़न बहुत ही बेहतरीन था एंड अगर आप देखोगे मिर्ज़ापुर के बाद इसकी बहुत ही हाई डिमांड थी, आपने गेस किया इसे राइट। इसका नाम है द फैमिली मैन सीज़न टू। तो सीज़न टू का अनाउंसमेंट हो ही चुका है, फरवरी 12 में रिलीज़ होने वाला है। मैं फ्रैंकली बोल दूँ, मैं लास्ट मंथ में ही सीज़न वन देख ली हूँ, तो मुझे मतलब जब मैंने लास्ट का जो एपिसोड का 10-15 मिनट देखा तो एक्चुअल में मुझे इतना सस्पेंस, इतना थ्रिलिंग महसूस पूरे सीज़न में नहीं हुआ था एंड मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि नेक्स्ट सीज़न कैसा होगा, क्या मतलब वो जो फैक्ट्री में जो गैस फैल गई है। और मैं आपको बोल दूँ, ये थोड़े से जो मतलब जो वीडियोज़ हो ना उसमें थोड़े थोड़े स्पॉयलर्स तो होंगे, तो अगर आप नहीं देखे हो तो इतने भी स्पॉयलर्स नहीं होंगे, लेकिन आप प्लीज़ बी वेयर बिकॉज स्पॉयलर्स थोड़े थोड़े तो होंगे। तो उसके बाद जो है जो दिखाया है कि पॉल्यूशन मतलब वो जो गैस है पूरा दिल्ली में फैल जाएगा, तो क्या लोग मर जाएंगे, क्या ये मतलब दिल्ली में गैस फैलेगा नहीं फैलेगा। मूसा रहमान जो कल ही एक टीज़र आया कि मूसा रहमान जिंदा है या मर गया है, दिखाया तो गया है कि वो ज़ख्मी है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि वो पूरा का पूरा डेड है। नो सो ही माइट कम बैक, एक्चुअली ही इज़ कमिंग बैक ओनली। तो ये वाला रिलीज़ होने वाला है 12 फरवरी को एंड एक्चुअली इट इज़ द मोस्ट एंटिसिपेटेड वेब सीरीज ऑफ दिस ईयर एंड बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत अच्छा स्टोरी था, तो मैं इसको मतलब आई एम हाईली वेटिंग फॉर दिस। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वेब सीरीज़ की जो कि यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है, इसी मंथ में 3-4 दिन में आने वाला है, जिसका नाम है गुल्लक सीजन 2। तो ये वाली वेब सीरीज जो बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही रिलेटेबल है, सारे ऐसे मतलब पूरे का पूरा जो मिडिल क्लास ऑर्डिनरी नॉर्मल फैमिली होती है, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उन्हें क्या कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एंड बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब क्या हो सकते हैं प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को रेज किए हैं जो हम लोग फेस करते हैं, जैसे कि हमारे नेबर्स का मतलब क्या हो सकता है ना घुसेड़ना हमारे घर में, या तो हमारे मोटर कभी ख़राब हो जाना, नहीं तो कभी कभी हमारा संडे वेस्ट हो जाना ऐसे ही एवं फिजूल काम हो गए, कभी कभी हमारा मतलब जब हम अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते एक बैंकिंग के किसी भी जॉब के लिए अगर आप प्रिपेयर हो रहे हो तो फेलियर फेस करना वो सब कुछ बहुत आम बात है एंड फैमिली में जो नोकझोंक होती है, भाई बहनों के बीच में जो लड़ाई होती है बहुत ही कॉमन है, बहुत ही रियलिस्टिक है। तो ये TVF का जो ये वेब सीरीज़ है गुल्लक सीजन 2, ये 19 में आया था जून में, तो उसका सीज़न 1 मैंने भी एक महीने पहले देखा, जब मुझे पता चला सीज़न 2 आ रहा है, तो सीज़न 2 15 में रिलीज़ हो रहा है। मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि ये कितनी रियलिस्टिक होने वाली है एंड इसमें एक्टर्स के काम और कितने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये 15 जनवरी में रिलीज़ होने वाली है सोनी लिव ऐप पर। तो बात करते हैं नेक्स्ट वेब सीरीज़ की जो कि है द ग्रेट इंडियन वेडिंग। तो वो रिलीज़ होने वाली है अमेज़ॉन प्राइम में। तो ये वाली जो वेब सीरीज़ है ये भी आई थी 2019 में एंड ये वाली वेब सीरीज़ भी बहुत ही पॉपुलर हुई थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टोरी दिखाए गए हैं कि एक बिग फैट इंडियन वेडिंग हो रहा है, डेस्टिनेशन वेडिंग हो रहा है एंड यहाँ पे दो जो वेडिंग प्लानर्स है वो देखते हैं कि एक ओल्ड जनरेशन एक यंग जनरेशन एक दकियान उसी सोच पहले आम मतलब क्या हो सकते हैं मॉडर्न ख्यालात वाले उनके जब कॉन्फ्लिक्ट्स टकराते हैं एंड बहुत सारे ऐसे नॉर्मल मतलब सोशल व्हाट यू कैन से सोशल टैबू रेज हुए हैं, नहीं तो बहुत सारे सोशल जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि डाउरी हो गया, बहुत सारे जैसे हम लोग फेस करते हैं वो सारे के सारे ऐसे मतलब यहाँ इशू रेज किए हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए। यहाँ पे जैसे
मतलब एक्टर्स के परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन थे। एक्चुअली ये 2020 में ही शुरू होने वाला था इसका शूटिंग, लेकिन कोविड के चलते डिले हो गया। इस साल ये शूटिंग शुरू होके आई थिंक ये रिलीज होते होते एंड हो जाएगा, ईयर एंड नहीं तो सेकेंड हाफ में तो रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। एंड इसका कोई रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुआ है, अब तक तो शूटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन अभी हो जाएगी एक दो महीने में ऐसा लगता है। तो ये भी अनदर वेब सीरीज़ है जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो का बहुत ही अच्छा है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वेब सीरीज़ की, जो कि इसका सीज़न 2 आने वाला है। इसका नाम है द टेस्ट केस। तो इसके पहले सीज़न में थी निमृत कौर, एंड वो जो है एक इंडियन आर्मी ऑफिसर की एक मतलब ऑफिसर बनी थी, जो कि रोल प्ले की थी, जिस जो कि एक स्पेशल फोर्स के लिए एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल बोल रही हूँ इंडियन आर्मी ऑफिसर की जो वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करती है स्पेशल फोर्स के लिए। तो ये वाला वेब सीरीज़ भी बहुत ही बेहतरीन था, वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ था Z5 का, क्योंकि Z5 मतलब बहुत ही मतलब क्या उसके थे, इतने सारे उसके वेब सीरीज़ हैं कि आप इसे छांट नहीं सकते कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ है। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड सीज़न 2 इतना एंटिसिपेटेड क्यों है, क्योंकि मैंने पिछले साल ही इसका टीज़र लॉन्च किए थे, बोले थे बहुत जल्द आने वाला है। आई थिंक शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है, हरलीन सेठी इसमें है। तो हरलीन सेठी को हमने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में देखा था, तो वो भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इनका बहुत ही अलग डी ग्लैमरस बहुत ही अच्छा वाला मतलब आर्मी ऑफिसर का किरदार देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं उन्होंने कितना बखूबी निभाया और ये स्टोरी कितनी खास होने वाली है। तो ये आने वाला है, आई थिंक ये मुझे तो नहीं पता एग्जैक्टली कब आएगा, लेकिन जैसा लग रहा था कि मार्च या अप्रैल में तो आ जाना चाहिए, क्योंकि शूटिंग एंड ये सब तो ख़त्म हो ही गए होंगे। तो ये भी एक मोस्ट एंटिसिपेटेड सीज़न नेक्स्ट सीज़न है जो आने वाला है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वेब सीरीज़ की, जिसका सीज़न 3 आने वाला है। यस, इसका नाम है द ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीज़न 3। तो इसके दो सीज़न मुझे इतने पसंद आए थे, प्रीवियस दो सीज़न जिसमें विक्रांत मैसी एंड हरलीन सेठी इन दोनों का इतना अच्छा केमिस्ट्री दिखाया गया था, एंड इसकी स्टोरी से ज़्यादा एक्टिंग मुझे विक्रांत मैसी की इतनी पसंद आई थी गाइस। मतलब सीज़न 2 में ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे, मूवमेंट्स थे, जिससे आपको मतलब एक्चुअल में रोना आ जाएगा, एंड आपको लगेगा मतलब एक होपलेस लवर की कहानी है, एंड एक दो इंसान जो कि एक्चुअल में प्यार में धोखा खा चुके हैं, प्यार में इतने अच्छे नहीं रही उनकी किस्मत, वो दोनों जब मिलते हैं क्या उन दोनों की अभी जो मतलब उन दोनों में जो प्यार होता है क्या वो भी लॉन्ग लास्टिंग हो पाते नहीं हो पाता, यही हो गई स्टोरी। लेकिन थोड़ा सा अलग होने वाला है सीज़न 3 जो है, विक्रांत मैसी नहीं है, अनदर डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला इसमें मेन लीड में है, एंड और एक लड़की जो मतलब उनका नाम तो मैं भूल गई, तो ये अगस्त्या एंड रूमी इन दोनों का कैरेक्टर जो इन दोनों की जो स्टोरी है ये आने वाली है। तो ये रिलीज़ होने वाली है वैलेंटाइन डे को, जो कि फरवरी 13 नहीं तो फरवरी 14 इन दोनों डे में मैं मतलब कन्फ्यूज हूँ कि किस दिन रिलीज़ होगी। आई थिंक 14 नहीं तो 13 दोनों में से किसी एक दिन में रिलीज़ होगी। तो ये भी एक अनदर बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है जो कि मुझे लगता है एक हाईली एंटिसिपेटेड है, एंड इसकी भी स्टोरी अगर अच्छी हो गई तो मे बी ये भी लोगों को उतनी पसंद आएगी जितनी सीज़न 1 सीज़न 2 में आएगी। तो बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं और एक वेब सीरीज़ की जो कि इतना घटिया था मतलब भर भर के इसको मतलब लोग इतना गाली किए थे, फिर भी इसका सीज़न 3 आने वाला है। आपने सही गेस किया, ये है 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज सीज़न 3। यस, कीर्ति कुल्हारी ने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि सीज़न 3 की शूटिंग वो जल्द शुरू करने वाली है, एंड अप्रैल में तो नहीं हो सकता, रिलीज़ नहीं होगा, लेकिन ईयर एंड होते होते मे बी ये वेब सीरीज़ रिलीज़ हो जाए। एंड कोई भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी नहीं चाहता था कि इसका सीज़न 3 आए, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों लेके आ रहे हैं। तो मुझे इसमें कोई मतलब क्या उसका है, ऐसा नहीं लगा कि भाई अच्छा सीज़न 3 आ रहा तो कुछ अच्छा होगा, ठीक है यार जो भी होगा देख लेंगे, रिव्यू कर लेंगे, ऐसी टाइप की वेब सीरीज है। तो एंटिसिपेटेड है किसके लिए, जो कि जो सूडो फेमिनिस्ट है, जो सूडो फेमिनिस्ट में बिलीव करते हैं, नहीं तो ऐसे ही एविंग जिसको बीरे दी वेडिंग पसंद आई थी ऐसे टाइप की उनको पसंद है, अदरवाइज जो कॉन्टेंट लवर है ना उनको ये वेब सीरीज एक दो मिनट भी रास नहीं आती मेरी तरह। लेकिन मुझे क्या है, मैं तो वेब सीरीज़ का रिव्यू करती हूँ इसीलिए मुझे देखना पड़ता है, अदरवाइज आप तो इतने मजबूर नहीं हो। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे दिखाएगा और एक स्टोरी, मतलब इन चारों का जो सब प्लॉट्स है वो तो दिखाया जाएगा ही, एंड इन लोग का जो क्या होता है मुठ पीपल को भी थोड़ा देखने के लिए मज़ा आएगा, क्योंकि इन लोग जो किसी के साथ भी सो जाते हैं, किसी के साथ भी मतलब क्या होता है चौदम पट्टी कर लेते हैं, वो देखने के लिए आपको एक्चुअली इसे देखना चाहिए। तो ये भी आने वाली है अमेजोन प्राइम वीडियो में, आई थिंक ईयर एंड होते होते तो ये वेब सीरीज़ रिलीज हो जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं सारे मुठ पीपल के फेवरेट वेब सीरीज़ के,
तो एनी गेसेस? यस यू हियर इट राइट, इट इज मस्त्रम। मैंने तो बोला ही नहीं, अब सुने कैसे? ओ गॉड, तो मस्त्रम का सीजन 2 भी इस साल ही आने वाला है, तो सितंबर नहीं तो अक्टूबर आई थिंक इसके बीच आ जाएगी, क्योंकि मस्त्रम की सीजन 2 की स्क्रिप्टिंग अभी इस मतलब अभी आई थिंक चल रही है एंड शूटिंग अब तक नहीं हुई है। मार्च अप्रैल में फिर से वही शूट होगा एंड ये स्टोरी जो सीजन 2 में दिखाएगा कि मस्त्रम की जो गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ इसका मतलब जो एंगेजमेंट फिक्स हुआ था, क्या इसके साथ मतलब क्या हो सकता है, उसकी गर्लफ्रेंड जो हम लोग कहीं जा रहे थे ट्रेन में उससे पता चल जाता है कि भाई यही तो मस्त्रम है, तो इसकी जो गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के जाएगी या उसके मतलब उसका साथ देगी, क्या करेगी, ये स्टोरी दिखाने वाली है। और भी मस्त्रम कैसे कैसे हॉट स्टोरी दिखाएगी, कितनों का मूड गर्म करते हैं, कितनों का बिस्तर गर्म करते हैं, ये भी दिखाएगा। तो ये मूड पीपल के लिए इट इज़ अ ट्रीट फॉर वॉच, ट्रीट टू वॉच एंड ये एमएक्स प्लेयर में आएगी, तो सीजन 2 भी ईयर एंड होते होते नहीं तो सेकेंड थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में, तो आई थिंक सेकेंड हाफ में ही आएगा, मोस्टली सेप्टेम्बर या अक्टूबर तक तो रिलीज हो जाएगा अगर सब कुछ सही चला तो। अब बढ़ते हैं आगे, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वेब सीरीज की सीजन 2 की जो आने वाली है, हॉटस्टार की एक है, इसका नाम है आउट ऑफ लव सीजन 2। यस, ये वेब सीरीज जो थी ये एक बेस्ड है एक डॉक्टर की जो कि बहुत ही हंसी खुशी अपने लाइफ में बहुत ही वेल सेटल्ड है, बहुत ही खुशहाल है, उसका अच्छी फैमिली है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है एंड वो कर मतलब डिवोर्स फाइल करती है एंड उसके बाद की स्टोरी दिखाएगी सीजन 2 में। तो मीरा डॉक्टर मतलब डॉक्टर मीरा कपूर का जो कैरेक्टर प्ले कर रही है वो है रसिका दुग्गल, तो उनका जो एक्टिंग है यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन था गाइस। ओनली 5 एपिसोड्स थे सीजन 1 में, मुझे इतनी बेहतरीन लगी थी उनकी एक्टिंग, उनका एक्टिंग की वजह से भी ये वेब सीरीज वन ऑफ द बेस्ट वॉच बन जाता है एंड अगर आप नहीं देख रहे हो तो आप इसे एक बार देख लो, इट पूरा का पूरा एंटरटेनिंग है एंड उन्होंने मतलब रसिका दुग्गल जी ने अभी ही शूटिंग कंप्लीट कर दी है, तो आई थिंक ये वेब सीरीज जून या जुलाई तक तो मे बी आ जाएगी, नहीं तो ईयर एंड होते होते तो आ ही जाएगी। रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुआ लेकिन रिलीज तो इस साल ही होगी, कंफर्म है ये, डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आएगी। तो लेट्स सी क्या रखा है सीजन 2 में एंड कैसी स्टोरी अनफोल्ड होती है मीरा की, क्या उसे कोई अलग पार्टनर मिलता है, क्या मतलब उनके जो फॉर्मर हस्बैंड एक्स हस्बैंड उनका क्या रोल होता है इसमें, ये देखना एक्चुअल में दिलचस्प रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आखिर की वेब सीरीज जो कि बहुत ही लोगों को पसंद आई थी, ये एक बहुत ही मीनिंगफुल वेब सीरीज था, इतना रिलेटेबल था कि मतलब इंजीनियरिंग बच्चों को इतनी बेहतरीन लगी एंड डाई मतलब क्या उसे TBF नहीं बनाया था, तो आपने इसे आप गेस करो एंड पॉज करो वीडियो एंड लिखो कमेंट सेक्शन में कि आपने मतलब क्या गेस किया इससे। अगर आपका गेस कंप्लीट हो गया तो मैं बता दूँ ये है कोटा फैक्ट्री सीजन 2। यस, कोटा फैक्ट्री जो है अनदर अमेजिंग वेब सीरीज था TBF का जो कि रिलीज हुआ था उन्हीं के ऐप में यूट्यूब में। एक बहुत अच्छी बात यह है कि एक फ्री वेब सीरीज मतलब आप YouTube में फ्री में देख सकते हो एंड इतनी बेहतरीन थी, लेंथ भी बहुत अच्छा था, स्टोरी भी इतनी रिलेवेंट थी, इतनी रियलिस्टिक थी कि जो IIT एस्पिरेंट्स है या कोई कोटा में अगर जाके प्रिपेयर करके आए हैं वो बोले कि भाई ये बहुत ही रियलिस्टिक हमारी स्टोरी दिखा दी, क्योंकि वही टाइप का टेंशन, वही टाइप का माहौल, वही टाइप का मतलब जो डिलेमा जो बच्चे में होता है, वो जो कन्फ्यूजन होता है, वो जो टेंशन होता है कि भाई नेक्स्ट साल तो क्रैक करना ही, वो वाला दिखाया गया है एंड थोड़ा सा क्रश एलिमेंट अलग लेवल का दिखाया गया है एंड वैभव जो कि एक लड़का मतलब कोटा में आया है सिर्फ IIT इन सब के लिए प्रिपेयर करने के लिए, कैसे वो एडजस्ट होता है, उसके बाद वो कैसे वहाँ दोस्त बनाता है, कैसे उसके डाउट्स क्लियर करता है, कैसे उसे जीतू भैया जैसे एक अच्छे टीचर मिलते हैं जो कि उन्हें बताते हैं कि भाई मतलब उन्हें एक्चुअल में फेलियर का मतलब सिखाते हैं। तो यहाँ पे जीतू भैया की किस्मत बदल गई थी इस वेब सीरीज से, उनका एक्टिंग इतना बेहतरीन था, मुझे इतना अच्छा लगा था वहाँ, बहुत ही रियलिस्टिक लगा था ये वेब सीरीज़। आपको ये वेब सीरीज़ अभी तक अगर नहीं देखे देख लीजिएगा एंड देखे हो तो बहुत अच्छी बात है एंड इसका सीजन 2 एक्चुअल में फोकस करेगा वैभव जो कि नेक्स्ट मतलब और एक इंस्टीट्यूट में जा चुका है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर उसकी पढ़ाई कैसे होती है, क्या वो पुराने दोस्तों से मिलता है नहीं मिलता है, क्या वो क्रैक कर पाता है नहीं कर पाता अभी तो क्या सीख लेता है एंड क्या उसे अलग अलग परेशानी आती है, क्या उसके मतलब रिजल्ट्स होते हैं, वो सब दिखाएगा तो कि एक एक्चुअल में रिलेवेंट है एंड उसी का स्टोरी नहीं, बहुत सारे उसके दोस्त के भी स्टोरी दिखाते हैं जो कि ऐसे टाइप के बच्चे होते हैं एंड आप जब देखोगे लगेगा भाई
कितनी अमेजिंगली सब कैमरा शॉट किया गया, कितने अमेजिंगली लिखा है, जिसने भी लिखा है रेटिंग इतनी बेस्ट है गाइस। तो इसका सीजन 2 देखने का तो बनता है, एंड सीजन 2 का जो शूटिंग अभी चल रहा है गाइस, तो मुझे लग रहा है 4-5 मंथ्स में इसका पोस्ट प्रोडक्शन अगर खत्म हो जाए तो जुलाई अगस्त तक आप इसे देख सकते हो। एंड मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। देखते हैं सीजन 2 कितने अच्छा होने वाला है। तो इतने में ही खत्म होता है लिस्ट। अगर आपको लगता है कि और कोई वेब सीरीज इस साल रिलीज होने वाली है जो मैं ऐड नहीं की हूँ इस लिस्ट में, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपको फिर से मैं रिमाइंड कर रही हूँ कि इस सैटरडे 6 PM को लाइव आने वाली हूँ मैं इंस्टाग्राम में। तो गाइस प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए, ताकि मैं आप लोग के साथ लाइव चैट करूँगी उस दिन। आकर आप जो भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी होगा, आप आ जाना लाइव उस टाइम 6 PM। आई थिंक वीकेंड है, तो मैंने वीकेंड में रखा है। तो इस बार इंस्टाग्राम लाइव हो जाए, उसके बाद मैं बहुत जल्द एक सोच रही हूँ कि मतलब यूट्यूब लाइव भी करूँ। तो पहले इंस्टाग्राम लाइव कर दूँ, उसके बाद मैं आपको सब अकॉर्डिंगली बताऊँगी। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पे प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, मतलब DM करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड हाँ, अगर आपको कोई वेब सीरीज़ के रिक्वेस्ट भी है तो वहाँ पे ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी कीजिएगा। एंड मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।